कट्टा सांप चमगादड़ अजब हाले कुत्ता सियार बालू सुअर सब खा जाएगा, छोड़ेगा कौन चीज ससुरा? ये बताओ, अगर पानी टंकी छत की है उसको नाली बना बना कमरा में ले जाना पड़ता तब तो हो गया काम, कभी बनता कभी? यही सोच रहा है सब बिहार में, ओके नाली बना बना ले जाएगा सब पानी इन सबको इधर, यहाँ समुन्दर सुखा दिया, बिहार सरकार से बाढ़ आना सुख रहा है। मिजाज में सख्ती भी जरूरी है, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। उसका भारत का जो पहला अंतरिक्ष में छोड़ा गया सैटेलाइट आर्यभट्ट था, जिसे हम लोगों ने 1975 में छोड़ा था। तो सैटेलाइट बनाना बड़ा सिंपल होता है, बट उसको छोड़ने के लिए रॉकेट बनाना ही सबसे मुश्किल होता है। सैटेलाइट इजिली बना लेते हैं सब, इसलिए दुनिया के कमोबेश सारे देश सैटेलाइट बना सकते हैं, लेकिन रॉकेट बनाने की क्षमता दुनिया के बस 6-7 देशों के पास ही है। भारत इसमें अग्रणीय देश है, बहुत सस्ते दाम पे सैटेलाइट को छोड़ देता है भारत। ये दुनिया का ये फेमस प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? बैकानोर। आराल सागर एक बहुत बड़ा झील था जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर था। जब रूस संयुक्त था तो रूस ससुरा इस झील से नहर बना के इसके पानी को कहां ले गया था? रूस में। और रूस में मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पानी नहीं थी वहां भी इसके पानी को मोड़ दिया और वहां कपास की खेती करने लगा। कपास की खेती को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए सबसे ज्यादा पानी सोखती है काली मिट्टी, इसीलिए कपास भी होता है काली मिट्टी पर, क्योंकि इसको पानी चाहिए। यह बैला क्या किया, रूस कहां लेके चल गया? मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पानी क्या था, कम था, और वहां लेके कौन गया? रूस। और वहां पे ले गया और धान की खेती कराया, इतना खेती कराया कि आज अरल सागर सूख गया। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए कहते हैं मिजाज में सख्ती भी जरूरी है, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। इसका पानी खारा नहीं था। देख सकते हैं मानव को सबसे ज्यादा समुन्दर सोख ले गया है। आराल सागर अभी क्या हो चुका है? सूख चुका है। और उसके बालू में भी अभी नमक की मात्रा है, उतना नमकीन नहीं जितना क्या था, समुन्दर था। अभी क्या है, वहां से आंधियां उठती हैं तो धूल कण में क्या जाता है, नमक, और जहां तहां नमक पड़ जाता है। अब आप बताइए, नमक पड़ेगा भीग के फिर पसीज जाएगा, समझना ही नहीं, चिपचिपा हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। और वो धूल जब उड़ता है वहां से, तो खाली हो गया वहां धूल कण, अब जब वहां से उड़ता है तो जिस जगह पे जाता है उसे भी खारा कर देता है, वहां की वनस्पतियों को भी मार देता है, चौपट करके रख दिया रूस। प्रकृति से खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत गड़बड़ बात है प्रकृति से खिलवाड़। कोरोना देख रहे, चमगादड़ खाएगा ससुरा, चाइनवा चमगादड़ खाएगा, बताइए ये सब खाने की चीज है? तेलचट्टा सांप चमगादड़ अजब हाल है कुत्ता सियार बालू सुअर सब खा जाएगा, छोड़ेगा कौन चीज ससुरा? कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ दिन में देखिएगा अपने बाबा दादा को खा जाएगा, बूढ़ो गए, चलो बना रहे बिरयानी दादा बिरयानी। आगे बढ़े, ये कौन सागर? आराल सागर। ये नहर कहाँ गया था? रूस में। आराल सागर क्या हो गया? सूख गया। आराल सागर सूख गया कजाकिस्तान में। यहाँ पे कजाकिस्तान की सबसे प्रमुख झील कौन सी थी? हाँ, आराल सागर प्रमुख यहाँ की झील थी, ये सागर नाम है ऐसे प्रमुख झील थी। इसी के पास यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सागर? कैस्पियन, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ये सागर है, नाम इसका क्या है? सागर। नाम से कुछ थोड़ी हो जाता है सागर, क्यों रखा था नाम, रख देने थोड़ी होगा। आप तो किसी का नाम परी रख देंगे तो क्या परी हो जाएगा? चमगादड़ को भी आप परी बुला सकते हैं, तो नाम से कोई फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत है? तो इसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। नाम क्या है? कैस्पियन सागर। रूस की नजर 1991 में कजाकिस्तान की एक और झील पे पड़ा, वो तो अभी सूखा है ना, 1991 में पूरा पानी था, 90 में बताया था, 75 में नहर सूखा दिया ससुरा पी के। यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है बलखास झील। क्या नाम है? बलखास झील। ससुरा इसमें भी नहर बना रहा था, कौन? रूस। तब तक 1991 में रूस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। रूस का क्या हो गया? विभाजन। रूस पढ़ेंगे तो समझेंगे क्यों विभाजन हुआ था, नहीं तो सुखा रहा था किस झील को? बलखास झील। कौन झील को? बलखास झील को। दोनों झील को ये क्या किया रहा था? सुखा दिया रहा था। बहुत खचरा है, पानी ये सुखा दिया यहाँ पर। ये दिखाता है कि ये लोग अपने देश के प्रति कितना विकासात्मक काम पे ध्यान देते हैं। और हम लोग अभी तक कोसी नदी पर एगो नहर ठीक से नहीं बना पाए कि कोसी नदी के पानी को बिहार से ढकेल दे इस साइड में, या फिर गिरा दे बंगाल की खाड़ी में।
कौनची जाता है भाई, तो सोच रहा है सब पता है कौन ची, नहर खोदेगा सब बकलोल कहीं का नहर खोदेगा। हम लोग के घर में टंकी लगा रहता है तो नहर से पानी आता है कि पाइप से आता है, इतनी चुकी टंकी थे इतना पतला पाइप, नाली का टंकी इतना मोटा पाइप, गटर का टंकी इतना मोटा पाइप, नदी के पानी में कोई दिक्कत नहीं, गटर में वाला 20 गो डाल दो, क्या जा रहा है नहर खोदने का बकलोल, नहीं समझ में आया। अब ना पनिया डाल दो अगवा 10 गो जाली मार देना बड़का बड़का, वहां हमेशा एगो ड्यूटी लगा दो स्टाफ का, उसमें कुछ कचरा रहे साफ करते रहो, पानी सीधे निकलेगा। तो नहर खोद रहा है सर, नहर तो नहीं, नहर जेसीबी का बहुते जेसीबी लगेगा, ये लोल कहीं का घोटाला कैसे होगा, समझ में आएगी नहीं क्या, नहर खोद रहा, अरे पाइप लगाओ रे बकलोलवा, अगर पाइप लगा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ खोदने की भी जरूरत है, पाइपुआ पहाड़वा पे चढ़ा देंगे, अरे नहर से ना पनिया नहीं चढ़ेगा, पाइपुआ में तो मोटर मार देंगे जहां चढ़ाना रहेगा, बड़का मोटर घींच घींच के नहीं चढ़ा देगा। अरे हम लोग की पानी टंकी का पानी पांच तल्ला पे चढ़ता है कि नहीं, तो जहां जहां नहर कहीं ऊंचा पड़ेगा देखेंगे पानी कहां रुक रहा है, वहां लगाओ मोटर घींच दो, ओपटी उलट दो, उलट गया तो डगा देगा, हाँ चाचा जा रहे हैं गुड जल्दी, उसको कोई दिक्कत है। तो सोच रहा पहाड़वा कैसे चिड़ई, तो रियल लोल कहीं का माझी बनेगा, नहीं समझ आया, घोटाला कैसे होगा, हाँ एकदम, अरे उसमें क्या जाता है, नहर लगा दो मोटका मोटका पाइप और पाइप के ऊपर सोलर प्लांट लगा दो, जमीन अलग से खरीदना नहीं है, वहां खत्म कहानी, बिजली मिल गया उसी से, वही बिजलिया से मोटर चला दो, जो लगाने का पैसा एक बार काम खत्म, बाढ़ में अलग कंट्रोल हो जाएगा, बाढ़ का पानी निकलने का रास्ता होना चाहिए यहाँ, तो ना कौन सी करेगा, नहर खोदेगा। ये बताओ अगर पानी टंकी छत की है उसको नाली बना बना कमरा में ले जाना पड़ता तब तो हो गया काम, कभी बनता बनता कभी, यही सोच रहा है सब बिहार में, ओके नाली बना बना ले जाएगा सब पानी, इन सबको इधर से बाढ़ आता है यहाँ पर, चलिए ध्यान से आप लोग कब आगे जाके बाढ़ को कंट्रोल करिएगा, लो यहाँ समुंदर सुखा दिया बिहार सरकार से, बाढ़ ना सुख रहा अच्छा है, अराल सागर सुखा दिया कि नहीं सुखा दिया, सुखा दिया, अलग से दिमाग लेके आया था ये लोग से नहीं, अरे खोद खाद दो इधर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से खत्म होगा, महाराष्ट्र में पानी भेज दो यहाँ का पूरा यहाँ पे। तो अभी भी गलती क्या कर रहा है पता है, नहर खोदने के प्लान में, नहर से कभी जाएगा, नहर खोदेंगे तो वहां तक आपको ढाल मिलाना पड़ेगा, तो क्या जरूरत है ढाल मिलाने, क्योंकि नहर में प्रेशर नहीं ना बना सकते हैं आप, अब बंद रहेगा तो प्रेशर बना देंगे आप, पाइप रहेगा तो यहाँ पे नहर खोद, उन्होंने वो उसको ही सुखा दिया, झील को या जो भी आप उसको बोलना चाहते हो उसको सुखा दिया। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।